अपनी एग्जीबिशन का पहला उद्देश्य तो होता है कि अपने माल का प्रचार करना और अपनी ताकत दिखाना। आज मशीन टूल्स जो है इंडिया की सारी कंपनियां इसमें काफ़ी कैपेबल है और इसलिए सारा एग्जीबिशन किया गया। एक्चुअली मशीन टूल की एग्जीबिशन हमेशा से बम्बई में होते जा रही थी, लेकिन कुछ कारण से बम्बई से बाहर निकली तो नेस्को ने और MMTA ने प्रयास करके इसको बम्बई में लाने का प्रयास किया है और ये पहला प्रयोग है। इससे काफ़ी, क्योंकि ये मार्केट भी वेस्ट जो है बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र जो है इसमें इसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, सबसे इसका एग्जीबिशन होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बम्बई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, उस हिसाब से सारी की अच्छी अच्छी एग्जीबिशन बॉम्बे में होनी चाहिए ताकि इसका मार्केट बढ़े। और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अगर एक्सपोर्ट अगर देखना है तो बम्बई सबसे सही जगह, उस हिसाब से ये एग्जीबिशन काफ़ी सही है। जैसे आपने कहा कि अभी कोरोना का असर चाइना पे है, चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, तो उसका कितना बेनिफिट इंडिया को मिलेगा? सी, इसका कोई मापदंड नहीं होता है कि तो हम पे कितना लेना है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सारी कंपनियाँ जो चाइना पे डिपेंडेंट थी तो एक उनको भी एक खतरा नज़र आ रहा है कि एक खाली डेढ़ महीने में देखें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है, तो नेचुरली वो सब्स्टिट्यूट वैसे भी ढूंढ रहे थे कोई ना कोई कारण से एक दुनिया में है कि चाइना से काम कम करना और बाकी लोगों से काम करना। ट्रंप तो ओपनली बोल रहा है, उन्होंने ट्रेड बैरियर भी किए और बाकी यूरोप में भी सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और सारा, और वास्तव में किसी एक की शक्ति ज़्यादा पावरफुल होना वैसे भी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये सही मौका है कि यानी कोरोना वायरस के कारण से लोग चाइना से हटेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय मैन्युफैक्चर लोग सरकार से बहुत उम्मीद करेंगे, तो एक 70 साल की आज़ादी के बाद सरकार से उम्मीद कम करके खुद के ऊपर बलबूते पे कैसे आगे बढ़ सकते इसमें सोचना चाहिए। क्या एक निर्देश देना चाहेंगे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको कि इस मौके का फ़ायदा उठाए और मार्केट में? इंडियन मैन्युफैक्चर सबसे पहला संदेश ये है कि फोकस क्वालिटी पे करें, प्राइस वार में नहीं जाए। वैसे भी सरकार की भी नई नीति के हिसाब से जो एल्बम पॉलिसी से सरकार भी बाहर निकलना चाहती है, कंपटीशन होनी चाहिए क्वालिटी की, कंपटीशन होनी नहीं चाहिए प्राइस की। सी, आज चाइना का भी नाम क्यों खराब हुआ? चाइना में अच्छा माल भी बनता है, इसी बात नहीं बनती है, पर चाइना ने जो ग्राहक ने भाव बोला एक्सेप्ट किया, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मैं सभी भारतीय मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा, बी कॉन्फिडेंट। आप पहले ही ट्रिप में या पहली एग्जीबिशन में जो ऑर्डर का प्रयास करते हो, शॉर्ट टर्म विजन है आपकी कंपनी। अगर 5 साल तक, हमारी सारी कंपनी, हमारे 19 बिजनेस है, हमने 10 करोड़ से लेकर 1991 से अभी हमारा लास्ट ईयर 6,500 करोड़ रन हुआ, लेकिन हर कंपनी हमारी 4वें साल 5वें साल प्रॉफिट में है। तो अगर आपके पास अगर लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होता, जैसे जापानीज कंपनियां होती है अपना विज़न ही करती है 10 साल बाद प्रॉफिट हो किसी देश में आना, तो हमारा विज़न जो शॉर्ट टर्म है जो इंडियन मेंटेलिटी वो एक गलत है, उसको लॉन्ग टर्म पे ले जाएंगे तो मेरे को लगता है कि भारत का भविष्य और भारतीय सारी कंपनियों का सारे ट्रेड में, ऐसा नहीं किसी ट्रेड में, क्योंकि आज भारत की गुणवत्ता का नाम सॉफ्टवेयर कंपनी के कारण से और बाकी सेक्टर के कारण से, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण से आज काफ़ी दुनिया में नाम हुआ हुआ है। आज ज्वेलरी में देखें तो भारत टॉप में है, गारमेंट में समझो पीछे चला गया, लेकिन बहुत सारे बिजनेस कारण से आज भारत का नाम है और भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। तो हमको जो मार्केटिंग में भी सोचना चाहिए, वेन वी मार्केट अवर कंपनी वी शुड पार्ट दैट वी आर फ्रॉम इंडिया द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जैसे आपने कहा कि